कर दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा और डीएन टीम पूछिए भाई। पुठी मंगल खां के गांव में जब कवि मंगल खां द्वारा बसाया गया था, इस गांव में एक ऐतिहासिक इमारत है जहां आज गुरु नानक का गुरुद्वारा चलता है। और इस गुरुद्वारे की जो ऐतिहासिक इमारत है लगभग 200 साल पुरानी है। इस ऐतिहासिक इमारत को हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए भाई, बहुत पुरानी ऐतिहासिक इमारत, गुरु नानक जी का यहाँ गुरुद्वारा चलता है। ये देखिए भाई, ऐतिहासिक इमारत अति सुंदर, बहुत प्राचीन इमारत है गुरु नानक गुरुद्वारा पुठी मंगल खां का। ये कितना सुंदर, देखिए पत्थरों पर नक्काशी की गई है। आज से लगभग 200 साल पुराना ये गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक इमारत पुठी मंगल खां गांव की। ये देखिए भाई, कितनी सुंदर इमारत है। और इसका ये दृश्य देखिए, बहुत ही सुंदर इमारत। और एक ताऊ मौजूद है, जानेंगे कितनी पुरानी इमारत है या उस ताऊ से। ताऊ जी राम राम। राम राम ताऊ जी, जो यह इमारत है आपका गांव में पुरानी ऐतिहासिक धरोहर आपका गांव की, पुठी मंगल खां, जो मंगल खां था उसके वंशजों द्वारा बनाई गई थी आज से लगभग 200 साल पहले। लगभग 200 साल तो 200 साल हो लिए ताऊ। तो ये गुरुद्वारा मौजूद है यहाँ, इसमें गुरुद्वारा चल रहा है ऐतिहासिक इमारत के अंदर। ये देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ रखा गया है गांव में, जो इमारत है ऐतिहासिक इमारत है उसके अंदर कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है। और ये ऐतिहासिक इमारत, ये देखिए भाई, लगभग 4 फुट के चौड़ी करीब इसकी दीवार है। गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ रखा गया है गुरुद्वारे के अंदर। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है, दरवाजा नुमा जो दरवाजे पहले इतने दरवाजों के बाहर डिजाइन हुआ करता था, इसी तरह यहाँ एक इस साइड भी बनाया गया है। यहाँ पर पुराने देखिए दिए रखने के लिए, रोशनी करने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी आली भी बनाई गई है। उधर उस साइड भी एक आली मौजूद है। और यहाँ पर जब कभी इस ऐतिहासिक इमारत को बनाया गया था, वो इतिहास, उसका इतिहास में नाम भी लिखा गया है, संपूर्ण जानकारी। ये देखिए भाई, हर तरफ 3 कोने वाली आकृति इस ऐतिहासिक इमारत के अंदर। ये देखिए कितनी सुंदर, ये देखिए सुंदर नजर आ रही है, बिल्कुल गोल गोल आकृति, ये 3 कोणों वाली आकृति के अंदर है ऐतिहासिक इमारत, जो गांव पुठी मंगल खां है, जिसके वंशजों ने इसी इमारत को बनवाया था। और यहाँ कुछ एक पत्थर लगा उस समय, तब ये बनी थी ऐतिहासिक इमारत, इसका भी फोटो हम लेंगे। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई के नाम है तेरा? मेरा विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, देखिए नाम भी लक्ष्मी है भाई इसका। लक्ष्मी बहुत पूजनीय होती है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। और आज खड़े भी हम ऐतिहासिक इमारत है जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया है, एक गुरुद्वारा है। ताई, जो यह गुरु ग्रंथ साहिब रखा है गुरुद्वारा है, जो कितने साल पुराना आपके गांव में? 200 साल पुराना था। और गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की जाती है? मतलब पूरा गांव वाले करें, सारे काम करें, रोजे करो। और क्या खास बात है इसकी, जो गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, जो गुरुद्वारा इसकी की में खास बात है? प्रसिद्ध सारे परचे देव है, गुरु नानक देव पूरे परचे देव है, सब है, जानदे भी करा, आंदे भी करा, बैठ के भी करा। अच्छा अच्छा। भजन वाणी भी करा, सुन रहे कीर्तन करा। अच्छा, अमृत वाणी सुनाई जाती है? हाँ, किस समय? सुबह भी शाम में भी, तीर्थ पढ़े हाँ आके न। अच्छा, तीर्थ भी पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं यहाँ आकर सुबह शाम न। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब 200 साल पुरानी इमारत है, ऐतिहासिक इमारत आपके गांव की। हाँ। देखिए भाई, मंगल खां, जो पुठी मंगल खां गांव है, इसकी ऐतिहासिक इमारत। हाँ। जो यह ताई थी ने बताई इमारत की, इसकी हिस्ट्री। हाँ। आप बने रहिए डीएन हरियाणा साथ, डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया। इसकी इमारत है ना भाई, इसकी दीवार थोथी बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ हो सकता है। देखिए ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, थोथी बोल रहे हैं, इसके अंदर कुछ खजाना भी हो सकता है, कहते हैं पुरानी इमारत। देखिए भाई, थोथी बोल रहे हैं, इसके अंदर कुछ खजाना भी हो सकता है, कहते हैं पुरानी इमारत। जी, ये देखिए ताई ने पूछा है, ताई या दीवार थोथी थोथी बोल रहे हैं कि मैं
भाई मंगल खां पुठी का होया करता मुसलमान। अच्छा, और इसका गांव का मंगल खां क्यों से गांव का मुसलमान इसका नाम था यो गांव बछेड़ा से। अच्छा, गांव बछेड़ा था। हाँ, मुसलमान तो गांव वाला नया ऐतिहासिक इमारत नू मनवाई थी, वह पूजा कर लिया। हाँ, पूजा कर मंगल खां ने। पहले तो सुना मुसलमान नमाज पढ़िया करते हुए। अच्छा अच्छा, मुसलमान। अच्छा, और फिर वो चले गए जी। भी भाई थे मुसलमान पाकिस्तान चले गए। अच्छा अच्छा, तो हिंदू करे से पंजाबी करे से। अच्छा ताई, है जी, ये देखिए भाई, ताई ने कितनी बढ़िया बात बताई भाई। गांव में सारे धर्म का प्रचार हुआ, अर्धा सारी राह कर दे, और मंगल खान ने यह ऐतिहासिक इमारत बनाई थी। इस ऐतिहासिक इमारत के अंदर कहते कि इस ऐतिहासिक इमारत के अंदर खजाना दबा हो सकता है, जो दोनों तरफ दरवाजों की साइड में थोथी बोलती है दीवारें। और आज हमने मंगल पुठी मंगल खां का आपको इतिहास दिखाया। मंगल खां ने ऐतिहासिक इमारत अपने गांव में बना रखी है, और उसका जो पुश्तैनी मकान था वही आज जर्जर हालात में पहुंच चुका है। उस गांव के अंदर लगभग 200 साल के करीब उसका गांव का जो पुराना मकान था आज वो खंडर हो गया। और जब पाकिस्तान से भारत आए थे पंजाबी समुदाय के लोग, उन लोगों को आवंटित किया गया था, उन्होंने पाड़कर उसको अपना मकान बना लिया गया है। और ये ऐतिहासिक धरोहर आज भी एज इट इज है। ये देखिए इसके दोनों तरफ गुम्बद, और ये देखिए बहुत बड़ा एक गुम्बद ऐतिहासिक इमारत पुठी मंगल खां गांव की, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं, गुरु नानक देहरा आज भी आ